आइए। आप रास्ते से हटेंगे तो मैं जाऊंगी। ये मत सोचिएगा कि मैं रास्ते से हट रहा हूं, बस आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे रहा हूं। आई एम सॉरी दानिया, हिसाब तो चुकाना होगा ना, ये तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। मैंने तो तुम्हें बड़ी ढील दी थी, मगर जब तुम इस घर में रह ही नहीं रही तो फिर मैं हमारे घर से मिलने वाली सियासत और इज्जत क्यों बख्श दूं तुम्हें? से आगाह करते चलें कि मुहिब्बे वतन पार्टी की एमपीए दानिया शाह की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, ताहम दानिया शाह कार हादसे में महफूज रही। मैं जरा सदका देखे आया। हाँ जी, सदका रद्दे भला है भाई। क्या हुआ, सब खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, इनकी गाड़ी को कोई ट्रक वाला हिट करके चला गया। शुक्र है कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी की खैर है, लेकिन फिर भी तशवीश की बात तो बनती है ना। पता नहीं क्या मन तक है मेरे रब की कि मेरी बच्ची खतरों में डोल रही होती है। कोई स्ट्रेन वगैरह तो नहीं? कुछ नहीं, नाना जान तो ऐसे ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बस एक ट्रक ओवरटेक कर रहा था, हमने तो रास्ता भी दे दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे। ये ट्रक वाले तो ऐसे ही ड्राइव करते हैं। अम्मी एक्चुअली बहुत परेशान हो गई थी, शी कॉल्ड मी और कहा फौरन देख के आओ दानिया को। मुझे भी फोन करके परेशान कर दिया, और शी थॉट के कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया। शुक्र है। हमें परेशानी की बात तो है, एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही हम बुजुर्गों का दिल दहल जाता है कि अल्लाह बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ने खैर की है, अल्लाह सलामत रखे इसे। हाय मॉम। दोपहर को बुलाया था, अब आ रहे हो, कहाँ थे तुम? सॉरी थोड़ा बिजी था, कैम और मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे इसलिए पक्का पता नहीं चला।